आपके साथ साक्षी टुटेजा। मार्च महीने में इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर एक साथ 7 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। यानी सभी फिल्में कम बजट की हैं। इसमें 2 फिल्मों की सबसे ज्यादा चर्चा है और इसकी खास वजह भी है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सानिया मल्होत्रा स्टारर फोटोग्राफ और मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर और तिमांशु दुलिया की मिलन टॉकीज चर्चा में है। इनके अलावा सिनेमा घरों में स्मॉल बजट के फिल्में जैसे कि 22 यार्ड्स, कॉल ब्लू तलाक, मिलन टॉकीज, हामिद शर्मा जी की लग गई भी रिलीज होगी। यानी कि एक साथ मार्च के महीने में 7 का डबल धमाका होगा। 7 फिल्में एक साथ रिलीज होंगी। भाई या तो ये फिल्में लोगों को कंफ्यूज कर देंगी कि किसको देखी जाए और किसको ना देखी जाए, या फिर ये फिल्में लोगों के दिलों पर छा जाएंगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी 7 फिल्में हैं और उनकी क्या स्टोरीज हैं। फोटोग्राफ। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सानिया मल्होत्रा की अदाकारी से सजी मूवी फोटोग्राफ का निर्देशन रितेश पन्ना ने किया है। यूनिक लव स्टोरी पर बेस्ड मूवी का ट्रेलर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है और भारत के अलावा इसे यूके, यूएसए, स्पेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में रिलीज करने की तैयारी चल रही है। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर सोशल ड्रामा मूवी की कहानी स्वच्छता अभियान पर आधारित है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म विवाद में फंस चुकी है। इसके कॉन्सेप्ट पर मामला गरमाया था। दूसरी तरफ लेखक मनोज मेहरता ने फिल्म में क्रेडिट ना देने का आरोप भी लगाया था। मामला कोर्ट तक भी गया। स्टारकास्ट में अंजलि पाटिल, अतुल कुलकर्णी, ओम कनौजिया, मार्कन देश पांडे भी शामिल हैं। 22 यार्ड टीवी एक्टर वरुण सोबती स्टारर मूवी 22 यार्ड इस क्रिकेट पर बेस्ड है। इसका निर्देशन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिताली घोषल ने किया है। स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी में रजत कपूर, पंछी बोरी, राजेश शर्मा अहम रोल में है। मूवी का ट्रेलर सौरभ गांगुली ने लॉन्च किया था। कोड ब्लू तलाक। ट्रिपल तलाक के गंभीर मुद्दे पर बनी मूवी कोड ब्लू तलाक का निर्देशन डॉक्टर अलीना खान ने किया है। इसमें लीड रोल में डॉक्टर अली खान, आलोक नाथ, सुष्मिता मुखर्जी, ऋषि भूतानी है। फिल्म की कहानी ट्रिपल तलाक की ग्राउंड रियलिटी और इसके प्रभाव के बारे में बताएगी। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल 2019 में मूवी का प्रीमियर किया गया। ये मूवी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। तिग्मांशु धुलिया के निर्देशन में बनी मूवी मिलन टॉकीज इसी शुक्रवार को रिलीज हो रही है। इसमें अली फजल, श्रद्धा श्रीनाथ, आशुतोष राणा, ऋचा सिन्हा, संजय मिश्रा और सिकंदर खेर लीड रोल में है। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है। फिल्म को लेकर ज्यादा बस नहीं बना है और ना ही खास प्रमोशन किया गया है। हामिद। हामिद का निर्देशन एजाज खान ने किया है। इसमें रशिका दुग्गल, विकास कुमार और तलहा अरशद रेशी लीड रोल में है। ये 8 साल के बच्चे हामिद की कहानी है जिसमें मालूम पड़ता है कि 786 भगवान का नंबर है। वो इस नंबर को फ़ोन पर डायल भगवान तक पहुंचने की कोशिश करता है और अपने पिता से बात करना चाहता है। दरअसल उसकी मां ने बताया था कि उसके पिता अल्लाह के पास हैं। फिर एक दिन फ़ोन कॉल का जवाब आता है। हामिद का जियो मामी 20 मुंबई फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ है। शर्मा जी की लग गई। शर्मा जी की लग गई एक मल्टी स्टार मूवी है। इसमें मुग्धा गोडसे, कृष्णा अभिषेक, ब्रजेंद्र काला, मुकेश तिवारी, हिमानी शिवपुरी लीड रोल में है। इसका निर्देशन मनोज शर्मा ने किया है। तो ये थी वो 7 फिल्में जो कि एक साथ रिलीज होने वाली हैं। जी हाँ, यानी कि एक साथ मार्च के महीने में आपको बॉक्स ऑफिस पर फिल्में ही फिल्में दिखाई देंगी। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी मसाला सुलझाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए फेमस मीडिया।